तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले हमारा नया टॉपिक, जहाँ पे अपन देखने वाले क्रिएटिंग मैक्स मिन हीप यूजिंग इंसर्ट इन हीप मैक्स मिन। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करके अपन मैक्स हीप में कुछ एलिमेंट डालने वाले हैं। तो इसके लिए ये सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम बहुत ही आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। यहाँ पे सिंपली अपना वाला गेट फंक्शन है, जो अपने एलिमेंट गेट्स करने के लिए काम आता है। एलिमेंट गेट करने के लिए गेट फंक्शन है। एंटर साइज ऑफ एरे अगर आप एन में ले लेंगे, उसके बाद में एलिमेंट्स ले लेंगे। अरे एलिमेंट्स हमने रैंडमली ले लिए हैं। आपको ये प्रोग्राम अगर चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अभी आते हैं अपने वाले मेन जो लॉजिक है यहाँ पे। तो अपना वाला मेन है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट में अभी हम इंसर्ट कैसे होता है हीप में, तो वो अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, थीके? तो वो काम देखने के लिए अभी अपन एक यहाँ पे कुछ एरे ले लेते हैं, जहाँ से अपन कुछ वैल्यू ले लेंगे। तो वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं, 9, 10, 8, 5 और 20। ठीक है, ऐसे हमने एक एरे ले लिया है। ये हमारा एक एरे हो गया। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये अपना वाला 5 एलिमेंट का ये एक एरे है। तो यहाँ पे जब अपना एरे होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले अभी फॉर लूप में आते हैं अपन। फंक्शन कॉलिंग कॉलिंग होने के बाद की बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, ओके। तो डायरेक्टली अपन ये आएंगे यहाँ पे वाइल फॉर लूप में। तो फॉर लूप में हमारे पास कौन से वेरिएबल है। हमारे पास डायरेक्टली अभी अपन आएंगे अपने वेरिएबल है, जहाँ पे अपने सबसे पहला वेरिएबल है जो है अपना जे। उसके बाद में है आई। मैं वेरिएबल ऐसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ जैसे कि आपको आसानी हो बाद में समझने के लिए। उसके बाद में है आइटम। ओके, ये सारे अपने वाले वेरिएबल है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, इतने ही वेरिएबल है अपने पास। और ये वाला वेरिएबल अपना ए का एरे है, ये वाला एरे है अपना वाला। ठीक है, ओके। और एन की साइज है 5, क्योंकि ये 5 है ना, इसके लिए। ठीक है, अभी अपन आते हैं अपने वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले जे इज इक्वल टू 1 होता है, तो सबसे पहले जे की वैल्यू होगी 1 हमारी। ठीक है, ओके, जे की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद में आई इज इक्वल टू जे, तो आई की वैल्यू भी सबसे पहले अपने 1 होगी। उसके बाद में आइटम ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई क्या होगा, ए ऑफ आई यानी कि आई, आई की वैल्यू 1 है, ए ऑफ आई यानी कि अपना 9। तो आइटम में आ गया 9। ठीक है, ओके। अभी अपन आएंगे यहाँ पे व्हाइल में। तो व्हाइल कब तक, हमें कब तक अंदर जाना है। ठीक है, हमें कब तक अंदर जाना है यहाँ पे, तो ये चेक कराने के लिए अभी अपन कंडीशन जाएंगे यहाँ पे। अगर जब तक हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है तब तक। ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू सिर्फ नहीं, आई ग्रेटर देन रहता है 1 से। ठीक है, हमारा आई की वैल्यू का है क्या है, 1 है, तो ये बराबर है, सेम वैल्यू है, तो ये ग्रेटर देन नहीं हो सकती है। तो हम हमारा व्हाइल लूप में हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है। तो कंडीशन फॉल्स नहीं हो, फॉल्स हो रही है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपन आते ही यहाँ पे ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में क्या क्या जाएगा अपने वाला आइटम। तो सबसे तो देखिए अभी अपने वाली आइटम की सॉर्टिंग होने वाली है। ठीक है, आइटम की अपने वाली अभी सॉर्टिंग होने वाली। तो मैं एक और यहाँ पे एरे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया अपने वाला आइटम की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है और आइटम की वैल्यू 9 है, तो इसके लिए सबसे पहले 1। ओके, तो ये होने के बाद में अभी अपन आते हैं नेक्स्ट पे। तो फिर से अपना अभी अपने जे की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, बराबर। ओके, यहाँ पे अभी आते हैं अपन ए ऑफ आई यानी कि 2, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद में आ गए अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना वाला ए वैल्यू, ए आई, आई की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है। ठीक है, कंडीशंस ये तो ट्रू हो गया। उसके बाद में ये चेक चेक करते हैं,
ए ऑफ आई बाई टू, ए ऑफ आई बाई टू, आई आई बाई टू, टू बाई टू क्या होता है, वन होता है, ठीक है, टू टू कैंसिल, वन हो गया, तो ठीक है, ए ऑफ वन में क्या वैल्यू है, ए ऑफ वन में वैल्यू अपनी नाइन, तो नाइन, तो अपना वाला जो नाइन है, नाइन ये ग्रेटर देन आइटम, यानी कि टेन है क्या, टेन है नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो अपन फिर से व्हाइल लूप में नहीं जा सकते, तो डायरेक्टली अपना वाला टेन टेन जो है वो यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है अपने वाली, टू, ठीक है, यहाँ पे अपना टेन आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या भी अपन यहाँ पे चेक करेंगे फिर से, यहाँ पे अभी अपने वैल्यू वैल्यू चेंज हो गया, जो हो जाएगी जे की वैल्यू होगी अपने वाली थ्री, या फिर से जे की वैल्यू आई की वैल्यू होगी थ्री, उसके बाद में आइटम की वैल्यू होगी एट, उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद में क्या होगा देखते हैं, ठीक है, कंडीशन आई की वैल्यू तो अभी तो ट्रू रहेगी ये वाली, उसके बाद में ये चेक करते हैं ए ऑफ आई बाई टू, आई आई की वैल्यू क्या है थ्री, थ्री बाई टू वन आता है, मतलब 1.5 आता है, लेकिन अभी अपन यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहे हैं, इसके लिए वन लेंगे, ठीक है, ए ऑफ वन, वन में क्या है नाइन है, ए ऑफ वन में क्या है, मुझसे कुछ गलती हुई क्या ऊपर के लिए, हाँ यार कुछ तो भी गलती हुई मेरे से, नहीं 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 कुछ नहीं, गलती नहीं हुई, ठीक है, ठीक है, ए ऑफ आई आई बाई टू क्या है अपना वाला, वन नाइन है, ठीक है, ए ऑफ आई बाई टू नाइन है, और आइटम वैल्यू क्या है एट है, एट वैल्यू है, यहाँ पे आ गया अपना एट, ठीक है, ओके, अभी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू हो गए, फिर अपन वाई वाई आई वाई आई में आएंगे, तो वाइल में आने के बाद में क्या होगा, देखिए ए ऑफ आई, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है अपनी वाली थ्री, तो थ्री में क्या जाएगा, ए ऑफ आई बाई टू, आई बाई टू की वैल्यू क्या है, आई बाई टू की वैल्यू क्या है, आई बाई टू की वैल्यू देखिए आई बाई टू यानी कि थ्री बाई टू वन, वन वन में क्या है नाइन, तो नाइन अपना यहाँ पे जाएगा, ये जो नाइन है ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे अपना ला आ गया नाइन, ठीक है, ये अपना यहाँ पे नाइन आ गया, ओके, उसके बाद में आई की वैल्यू अपनी चेंज होगी, आई आई इज इक्वल टू आई बाई टू, तो आई की वैल्यू अपन अपनी चेंज होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होगी, आई इज इक्वल टू आई बाई टू यानी कि वन होगी फिर से, ठीक है, आई की वैल्यू अपनी वन हो जाए हो गई है, उसके बाद में यहाँ पे आएंगे अपन ए ऑफ आई यानी कि वन, ए ऑफ वन में क्या जाएगा फिर आइटम, आइटम एट, तो एट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना वाला एट, देखिए इस तरीके से ये वाली स्वैपिंग हो जाती है, मतलब स्वैपिंग तो नहीं होती इतनी, सिर्फ ये एलिमेंट यहाँ पे आता है और जो आइटम का एलिमेंट इसमें आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी स्वैपिंग, मतलब सारी की सारी प्रोसेस होती रहती है, तो इस तरीके से अपना वाला प्रोग्राम जो है वर्क होता रहता है, ठीक है, एक और ले लेंगे अपन, ज़्यादा थोड़ी सी गई अपने को इसके लिए, एक 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 ही लेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं फिर से, ये हो गया, उसके बाद में फिर से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आते ही अपने वाले जे की वैल्यू हो जाएगी फोर, उसके बाद में यहाँ पे अपन चेक करेंगे फिर से आई की वैल्यू, जे की वैल्यू आई में असाइन कर देंगे फोर, ठीक है, उसके बाद में ए ऑफ फोर क्या हो गया फाइव, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अपन चेक करेंगे ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, मतलब ट्रू कैसे होंगी, देखिए ए ऑफ आई बाई टू यानी कि आई बाई टू क्या है फोर बाई टू, टू मतलब टू में क्या है टेन, ओके टेन है यहाँ पे, तो टेन ग्रेटर देन आइटम, आइटम कौन सा है अपना वाला फाइव, कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद में यहाँ पे अभी अपन चेक करेंगे कि अपना कंडीशन क्या बोल रही है, ए ऑफ आई में क्या जाएगा आई बाई टू, आई बाई टू में क्या है, आई बाई टू में फोर बाई टू, टू में क्या है, टू में क्या है मतलब अपने टू में क्या है टेन है, देखिए यहाँ पे टेन है, तो ये वाला टेन कहाँ जाएगा, यहाँ से, यहाँ से ये वाला टेन जाएगा अपने वाले फोर में, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू अपने लिए फोर है, तो यहाँ पे अपना वाला टेन चला गया, ठीक है, टेन यहाँ पे आ गया, उसके बाद में आई बाई टू, आई आई की वैल्यू क्या होगी टू होगी, यहाँ पे टू होने के बाद में
यहाँ पे अपन जाएंगे आ ए ऑफ टू में क्या जाएगा, फिर आइटम जाएगा। आइटम की वैल्यू क्या है, अपने आइटम क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा अपना वाला 5। तो ठीक है, इतना सा सिंपल सा वर्किंग है ये वाला अपने प्रोग्राम का। ये जो है मैक्स हिप मीन हिप, मैक्स हिप के लिए ये करना पड़ता है। ये था अपना वाला मैक्स हिप, और सेम एज मीन हिप, नहीं नहीं ये था अपना वाला मीन हिप, क्योंकि 8 5 मतलब सिर से ये 5 इधर जाएगा, ऐसा सब कुछ होता रहेगा यहाँ पे। तो ये था अपना वाला मीन हिप का प्रोग्राम। उसके बाद में अपन फिर से देखेंगे मतलब सेम एज मैक्स हिप का भी प्रोग्राम यही है, सिर्फ क्या होता है ये वाला जो ग्रेटर देन का सिंबल है यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ जाता है, ये वाला ऐसा का ऐसा ही रहता है। ठीक है, इतना सा ही चेंज है मैक्स हिप के लिए। ठीक है, ये वाला सिंबल यहाँ पे लिख देने का, तो ये हो जाएगा मैक्स हिप का प्रोग्राम। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।